भिवंडी के आमपाड़ा इलाके से नए डीपी प्लान के मुताबिक निकलने वाले रोड का विधायक रईस शेख द्वारा जोरदार विरोध किया गया है। आज शहर के सभी पीड़ित इलाके समेत आमपाड़ा के लोगों को आश्वासन देते हुए विधायक रईस शेख ने कहा कि वह किसी भी तरह इस डीपी प्लान को रद्द करवाने के लिए खुद मनपा में सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा तक इस मुद्दे को उठाएंगे। शहर के किसी भी गलत प्लान का खुला विरोध करते हुए विधायक रईस शेख ने कहा कि शहर के किसी भी इलाके से वो लोगों को बेघर और उजड़ने नहीं देंगे, ये जनता से मेरा वादा है। दोस्तों, बुजुर्गों, आप सब जानते हैं कि भिवंडी का डेवलपमेंट प्लान कुछ दिनों पहले पब्लिश हुआ था। डेवलपमेंट प्लान का मतलब होता है कि भिवंडी शहर में किस तरह के गार्डन, किस तरह के रास्ते, किस तरह अस्पताल होगा, ये सारी बातें। और 5 जुलाई से इसकी फिर से हियरिंग चालू होने वाली है। और हम जानते हैं कि कई जगह पर गलत रास्ते, गलत रिजर्वेशन डाले गए। हमने इसकी सख्त मुखालिफत की थी और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें से एक जो रास्ता डाला गया था वो आमपाड़े में था। मैंने 28 अक्टूबर 2023 को ही ये ऑब्जेक्शन ले लिया है। इसकी हियरिंग जब होगी, मैं खुद इस हियरिंग में जाऊंगा अलग से और इसका ऑब्जेक्शन भी लेंगे। ऑब्जेक्शन ले चुके हैं, कई लोगों ने मुझे साइन करके एक एप्लीकेशन दी थी जिसके बेसिस पे हमने ये ऑब्जेक्शन लिया है। मैं आमपाड़ा के लोगों को और तमाम इलाकों के लोगों को जहाँ जहाँ पे गलत रिजर्वेशन, गलत रोड डाले गए, उनको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम ये सब होने नहीं देंगे, किसी का घर उखाड़ने नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि हर जगह पे हम लोग खड़े हो जाते हैं जहाँ कभी भी जुल्म होता है या कोई जाति होती है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि हम सब हियरिंग में जाएंगे, लीगल प्रोसेस पूरा करेंगे, लेकिन हम ये होने देंगे नहीं। डीपी प्लान को हर पॉलिटिकल पार्टी का विरोध है, सरकार में, असेंबली में, हर जगह पर हमने विरोध किया है। आमपाड़े के इस रोड का भी जोरदार तरीके से हम विरोध करेंगे, ये मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूँ। शुक्रिया।